हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। दोस्तों, ये एक कुरियर आया हमारे पास, भोपाल से आया है। और ऐसे बहुत से स्टेट से जो होते हैं आउट इलाके में, वहाँ से भी कुरियर आता। और हमारा ब्रांच मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट में, जो नियर रहते हैं क्रॉफर्ड मार्केट में और मुंबई में, वो तो हमारे स्टोर में आके सेम टाइम पे रिपेयर करके जाते। और आप दूर से देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो आप बेफिक्र होकर ऑल मोबाइल सॉल्यूशन में आप कुरियर कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो ये कुरियर भोपाल से आया, ऐसे बहुत से अलग अलग जगह से हमारे पास आता। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस नंबर दोनों दिया है, और ये कुरियर में कौन सा मोबाइल है वो चेक करेंगे और रिपेयर करके भी बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा तो भोपाल से आया है, और कौन सा फोन है चेक कर लेते। इसमें क्या क्या रिपेयर हुआ है उसके बारे में बताया, तो वो भी चेक कर लेंगे। हटा लेता हूँ मैं, कौन सा मोबाइल है। ये सैमसंग का है, S7 Edge है। बॉक्स में हटा लेता हूँ और मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन करके देख लेता हूँ, पावर बटन भी क्लिक नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा कुछ। डिस्प्ले पूरा डैमेज है, ऊपर का फ्रंट गिलास ख़राब रहेगा तो उसको रिप्लेसमेंट करेंगे, या डिस्प्ले ख़राब रहेगा तो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करेंगे। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। गिलास देखेगा, फ्रंट बैक दोनों गया हुआ है, तो वो पहला इसको ओके कर लेते क्या है। आप देखेगा तो स्क्रू भी पूरा मिसिंग है, कोई कोई जगह पे है, कोई कोई जगह पे नहीं है। तो एक इधर लोकल शॉप पे दिखाए थे शायद, तो ये रिपेयर हुआ नहीं है। और मैं कस्टमर से बात किया हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ इशू है। तो पहला मैं टेस्ट कर लेता हूँ क्या क्या है, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या खराब है। और ओपन कैसा करना है पूरा स्क्रू मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये स्क्रू ओपन कर लिया, अभी चेक कर लेते इसके अंदर क्या क्या खराब है। ओपन करना आपको सेफ्टी से, नीचे से जितना भी स्पीकर का दिया नीचे, और ऊपर आप देखिएगा वायरलेस का दिया है। सेफ्टी से आपको खोलना है, इसमें कोई घाई नहीं करना है। तो वायरलेस चार्जिंग होता है, ये भी वर्किंग है या नहीं है वो भी देख लीजिए। और ये लाउड स्पीकर नीचे का कनेक्शन दिया है। साइड में आप देखिएगा तो बैटरी एक्चुअली ख़राब हो गया इसके अंदर। साइड में आप देखिएगा तो डिस्प्ले का स्ट्रिप जो होता है साइड में क्रैक है, पूरा क्रैक हो गया। मदरबोर्ड वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी देख लेंगे। ये जितने भी कनेक्टर है सब आपको निकालना रहेगा, स्पीकर, सेंसर, फ्रंट कैमरा सब। और ये भी होम बटन का है कनेक्शन, और ये नेटवर्क का, वाइट और ब्लू कलर। और नीचे आप ओपन करने से पहले जो चार्जिंग का कनेक्शन रहता है इसके नीचे स्ट्रिप होती है, तो उसको भी निकालना रहेगा। ये निकल गया, आराम से आपको निकालना है। और ऊपर आप देखिएगा तो सिम स्लॉट है, तो आपका मदरबोर्ड निकलेगा, नहीं तो सिम स्लॉट का स्लॉट रहेगा तो आपको निकालना रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये सिम कार्ड भी है दो, अभी ये मदरबोर्ड चालू है कि खराब है वो पता नहीं, तो मैं पहला चेक कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। बैटरी तो खराब हो गया, बैटरी भी निकाल के देख लेते, पूरा खराब हो गया, तो फूक गया। डिस्प्ले तो ऑलरेडी खराब ही हो गया है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो उसकी स्ट्रिप है ब्रेक हो गई है, साइड से आप देखिएगा ब्रेक हो गया। मैं टेस्ट कर लेता हूँ मदरबोर्ड, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर मदरबोर्ड भी ख़राब हो गया है, तो मदरबोर्ड का जो कैमरा होता है वो निकाल लेंगे। और इसके अंदर कैसा चार चीज़ रिप्लेसमेंट होगी, फोर चीज़, और क्या क्या रिप्लेसमेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। पहला, इसके अंदर का जो मदरबोर्ड है ये तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, तो मदरबोर्ड भी आपको बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ये डिस्प्ले ख़राब हो गया है, ये रिप्लेसमेंट करूँगा। बैटरी ख़राब हो गया, वो भी रिप्लेसमेंट करूँगा। मदरबोर्ड भी ख़राब हो गया, मदरबोर्ड भी बदलूँगा। और इसके अंदर बैक गिलास जो ख़राब है पीछे का, ये भी ख़राब हो गया। तो 1, 2, 3 और 4,
ये चारों चीज रिप्लेसमेंट करूंगा मैं। इसको हटा लेता पहला और आपको बताता न्यू क्या क्या रिप्लेसमेंट रहेगा। दोस्तों आप देखेंगे क्या क्या रिप्लेसमेंट करना है वो सब कुछ बताऊंगा। ये पीछे का जो बैक गिलास होता है S7H का, ये 100% ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मदरबोर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ सैमसंग का। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा बैटरी S7H का और 100% सैमसंग का डिस्प्ले। आपको देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ सैमसंग कंपनी का है, केयर का सैमसंग। चार चीज रिप्लेसमेंट होगी और सैमसंग में जो मॉडल्स होते हैं और भी डिस्प्ले के और टच पैड फ्रंट ग्लास बैक ग्लास वो भी रिप्लेसमेंट होते हैं। तो कैसी क्वालिटी रहती है अलग सैमसंग का वो भी मैं आपको बता दूँ। ये सैमसंग A50 A30S के जितने डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आपको निकाल के बताएगा आपकी क्वालिटी इसमें समझ में आएगा आपको। ये सैमसंग का मैं बता रहा हूँ S7H का गिलास S8 जितने भी मॉडल होते हैं सब मॉडल के 100% ओरिजिनल बैक साइड के जो गिलास होते हैं वो पूरे रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। और जो फ्रंट ग्लास रहता है वो भी आप रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसा रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कब डिस्प्ले वाले ज़्यादा डिफिकल्ट रहते तो हमारे पास कैसा मशीन है तो वो भी रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं सब मॉडल के सैमसंग में। ये भी 100% आपको फिटिंग मिलेगी और आपको रिप्लेसमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस दिया, कुरियर कर सकते हैं। अभी S7H के बारे में बताऊँगा क्या क्या रिप्लेसमेंट होएगा। फर्स्ट आप देखेंगे तो डिस्प्ले का पूरा सेटअप हुआ है, इसके अंदर सिर्फ आपको मदरबोर्ड बनाना रहेगा, कैमरा आपको फिटिंग करना रहेगा, प्रॉपर आपको बिठाना है कैमरा। अभी ये कैमरा रिप्लेसमेंट मैं कर रहा नहीं हूँ फिलहाल, पहले ये कैमरा मैं चेक करूँगा कैमरा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि पुराना मैं कैमरा ही डाल रहा हूँ तो देख लेते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। उसके बाद आपको फिटिंग कैसा करना है साइड से, पर प्रॉपर आपको बिठाना है सेंसर को देख के, स्विच ऑफ बटन भी आपको ध्यान देख के करना रहेगा और ज़्यादा आपको फास्ट नहीं करना है इसके अंदर। ज़्यादा फास्ट करेंगे तो आपका जो साइड का वॉल्यूम बटन स्विच ऑफ बटन ये क्रैक होने का चांस रहेगा, तो सेफ्टी से ही आपको करना है। और इसके बाद आपको ये साइड में दो केबल दिखाई दे रहा होगा वाइट और ब्लू, इसको ऊपर लेना रहेगा कॉर्नर की तरफ और हो गया। अब आपको क्या करना है इसके बाद, ये सब क्लिप बिठाना रहेगा जितने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें क्रॉस नहीं बैठना चाहिए, एकदम बराबर बिठाना। आपको ऐसा लगेगा तो फिर से ओपन करके आप बिठा सकते हैं, क्योंकि जब आप कनेक्टर बिठाएंगे तो एक आवाज़ आएगी आपको IC। कनेक्टर बराबर बैठा नहीं रहेगा तो बाद में आपका निकल जाएगा कनेक्टर। ये स्विच ऑफ बटन का कनेक्टर है, ये जितनी स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको बराबर बिठाना रहेगा। पहले आपको नीचे की जो स्ट्रिप है कॉर्नर की वो आपको बराबर बिठाना है, इसको प्रेस करना है। उसके बाद ये नेटवर्क का केबल लगाना है, फर्स्ट ब्लू कलर का जो केबल है वो एकदम प्रॉपर बिठाना है, ये बराबर आपका बैठेगा नहीं तो रेंज में प्रॉब्लम आएगा आपका। और ये जो कनेक्टर है ये फिंगरप्रिंट सेंसर का है और होम बटन का दिया, दोनों कनेक्शन एक साथ दिया है। अभी देखिएगा बराबर बैठ चुका है, स्पीकर का भी बराबर बैठ गया। अब बैटरी आपको बिठाना रहेगा, बैटरी का जो कनेक्टर होता है सेफ्टी रख के आपको बिठाना रहेगा, ये बैठ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो स्पीकर और वायरलेस का है ना वो आपको देखना रहेगा, तो ये ऊपर का जो ब्लैक कलर का बैक ग्लास का जो प्रिंट होता है वो निकालना रहेगा आपको, जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा सफाई करना रहेगा आपको। दोस्तों आप देखेंगे सब फिटिंग हो चुका है और इसके अंदर एक एक स्क्रू लगाया, पहला मोबाइल ऑन कर लेते और पहला पूरा परफेक्ट चेक कर लेते वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ऊपर का रैप है मैं निकाल देता हूँ, ये रैप निकाल देता हूँ। डिस्प्ले की क्वालिटी आप समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा है, सैमसंग का है। ये मैं सेटअप कर लिया था क्योंकि लैंग्वेज पे आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं सब सेटिंग करके रखा था और फिंगरप्रिंट भी कर चुका हूँ। आपको दिखा देता हूँ ये फिंगरप्रिंट ओपन हो रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब इसके अंदर दोस्तों कैमरा भी चेक कर लेता हूँ मैं, आप देखिएगा बराबर चल रहा, और फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेता हूँ मैं, फ्रंट भी एकदम परफेक्ट है।
नेटवर्क भी देखेगा सब आ रहा है, और चार्जिंग भी चेक कर लेते, चार्जिंग भी बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा पता चल जाएगा। वर्किंग हो रहा है, आप देखिएगा चार्जिंग लिख के आ रहा फास्ट चार्जिंग। आपका ओरिजिनल सैमसंग करेगा तो फास्ट चार्जिंग लिख के आएगा, बाकी का दूसरे चार्जर से करोगे तो फास्ट लिख के नहीं आएगा। ये सब कुछ हो गया, अब इसके अंदर फिट करना, तो जितने भी स्क्रू है सब बैठाना रहेगा। मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ पहला, दोस्तों ये पूरा स्क्रू लग चुका है आप देखेंगे तो, एक भी स्क्रू मिसिंग नहीं है। इसके अंदर जो मिसिंग स्क्रू था मैं पूरा फिटिंग कर चुका हूँ, और अब बैक गिलास लगाने की बारी है। सिम स्लॉट में डाल लेता हूँ, फिटिंग आप देखेगा तो एकदम प्रॉपर एक कंपनी के जैसे का। यहाँ वाटर रेजिस्टेंट जो सील होता है वो लगा के भी मिलेगा। ये वो पूरा फिटिंग हो जाएगा अभी, ये पूरा फाइनल है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना रहेगा आपको। हो गया, ये पूरा रैप है इसके ऊपर, ये पूरा फिट हो गया दोस्तों। और इसमें क्या क्या खराब हुआ आप देख लीजिए, पूरा बैक गिलास गया, डिस्प्ले गया, और बैटरी मदरबोर्ड ये सब कुछ रिप्लेसमेंट कर दिया। आपका भी कुछ ऐसा रिपेयर करना रहेगा तो हमारे स्टोर में भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, एड्रेस दिया। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।